बार के उस पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से जितने भी मलंग हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। ये खतून यहाँ पर है जो कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर आई हुई है उर्स को मनाने के लिए, और ये सारा दिन दरबार में बैठी रहती है। क्या नाम है आपका? जट ब्रांड हूँ मैं। जट ब्रांड है आप जी। तो कब से आप ये इस तरह आ गई हैं मलंग की लाइफ में? सर मैं बहुत, मुझे तकरीबन साल हो गया है कि मैं करती थी, पहले अपने घर पे होती थी, बस मैंने अंदर की शैतानी ख़त्म की है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक में खुद पढ़ी हुई हूँ। ठीक है, पढ़ी लिखी हूँ मैं, कोई अनपढ़ थोड़ी हूँ कि ऐसे बेफजूली कोई दिमाग दिमाग। आप पहले स्कूल भी जाती थी, कॉलेज भी जाती थी? यस सर। तो फिर इस लाइफ में ज़्यादा मज़ा या पहली लाइफ में मज़ा? नहीं, आप इसमें ज़्यादा मज़ा। इसमें ज़्यादा मज़ा जी, मुझे सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। तो कोई सिगरेट वगैरह भी पीती हैं, कोई पंग वगैरह इस तरह की? नहीं, सिर्फ सिगरेट पीती हूँ मैं, सादा सिगरेट पीती हूँ। हाँ। और चर्च थोड़ी सी है, कभी पी या ना पी, वो दरवेश धुआं उसका कोई इशू नहीं। चर्च पीने से सुकून मिलता है दिमाग को आपके? मेरा ये इस मेरे मुँह से जो कदर का उस पर पूरा रंग होता है। तो ये जो बाल है इसमें कंघी करती हैं आप या फिर ऐसे ही छोड़े होते हैं? नहीं, मेरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाल कंघी करती हैं आप? देखे है ना, चेक किए आपको? साफ है सारा। तो कोई फिर जुए वगैरह तो नहीं इसमें? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, सही है। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खुद पढ़ी हूँ सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दो कलमा शहादत, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। तो आप एक औरत ज़ात हैं, यहाँ पर सारे मर्द हैं, तंग तो नहीं करते आपको? तो मसला तो नहीं? नहीं, ये मेरे प्यार का, मुझसे प्यार करते हैं सर। सही है। तो ये जो आपकी आंखें हैं ये क्या लेंस लगाए हुए हैं या ऐसी ब्लू नीली हैं? शुरू से ही ऐसे। ठीक है। कितने बहन भाई थे आप? बस मुझे बहन भाई पता नहीं, पता मुझे अपनी बेटियों का पता था। बच्चे भी थे आपके? हाँ, दो बेटियाँ थी, शादी करती हुई है। तो फिर आप इस लाइफ में आ गई? हाँ। अभी कितनी उम्र होगी आपकी? आपको कितनी लग रही है सर? आपकी 35-40 साल है? मेरी 36 साल उम्र है। 36 साल है जी। व्यूअर्स, मैं इस टाइम दरबार के उर्स में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे साथ एक और मलंग मौजूद है। ये जो मलंग होते हैं इनके आप देख सकते हैं गले में ये डिफरेंट किस्म के पत्थर हैं, ये घुंघरू भी हैं बीच में, और ये एक मनका है यहाँ पर, और उसके अलावा ये हड्डी यहाँ पर गले में है, ये शेर है, ये लबैक यहाँ से इनका वो है, लोगो है, ये सिटी है। ये सिटी क्यों बांधी थी आपने? ये जो रात को मलंग सो जाते हैं ना, उनको उठाने के लिए चलाते हैं इसको। तो क्यों उठाते हैं उनको सोए हुए को? तो सोए उठाते हैं कि नमाज क्याम करो, नमाज का टाइम हो गया। मलंग नमाज पढ़ते हैं? हाँ। वो तो नशे ही बड़ा करते हैं, वो भंग पीते हैं और चरस पीते हैं। और नमाज ये नशे में की हालत में पड़ी जाए या वैसे पड़ी जाए, हाँ। ये तो अल्लाह को पता है किसकी मंजूर हो रही है या किसी की नहीं मंजूर। तो साहब ये सिटी पे जाके दिखाएं जरा। मेरी बात सुनिए, ये मलंगों ने ये डंडा क्यों पकड़ा होता है? ये हार श्रृंगार होता है मलंगों का। क्या होता है? हार श्रृंगार होता है। ठीक है। जिसे औरतों का हार श्रृंगार होता है ना, ये कैंठा, ये गुलाबा, ये गोदरी, ये कैंठा गुलाबा गोदरी है मलंगी, इसलिए पहन रखी है, याद है मौला पंचन पा की। तो अक्सर ऐसा भी होता है मलंगों के पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं तो ये डंडे से उसको मारते हैं? ये वैसे तो संदन के लिए हाथ में पकड़ा होता है, तो वैसे तो सैयद पाक ने कलाम में लिखा है बिगड़े तिरंगे का डंडा भी होता है। तो अगर आपको कोई तंग करे मलंगों को तो इस डंडे से पिटाई कर देते? हाँ, कर देते हैं।